हेलो गाइस, वेलकम इन दिस वीडियो। और इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ मैडम राइट द बस चैप्टर का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो कि 2021 के मॉडल सैंपल पेपर 4 नंबर में 5 मार्क्स के लिए दिया गया है। और एक क्वेश्चन इस तरीके का है कि व्हाट वाज वैलीज डीपेस्ट डिज़ायर, या फिर व्हाट वाज वैलीज स्ट्रॉन्गेस्ट डिज़ायर एंड व्हाट डिड सी डू टू फुलफिल इट। तो फ्रेंड्स, इसका आंसर है वैली वॉज एन 8 ईयर्स ओल्ड गर्ल। तो वैली एक 8 साल की लड़की थी, स्लीप्ड इन अ विलेज, वह गांव में रहती थी। सी हैड नो प्लेमेट्स, उसके साथ खेलने के लिए उसका अपना कोई दोस्त नहीं था। सी यूज टू सी अ बस पास बाय हर विलेज डेली, तो उसका अपना एक फेवरेट पास टाइम था कि गांव के नज़दीक रोड से होते हुए जो बस शहर को जाती थी उसको बैठ करके बस देखना। तो इट वॉज हर फेवरेट पास टाइम, ये उसका फेवरेट टाइम पास करती थी बैठ करके वो। द न्यू सेट ऑफ पैसेंजर्स ईच टाइम द बस कैरिड वॉज अ सोर्स ऑफ जॉय फॉर वैली, हर बार हर एक दिन जब नए नए पैसेंजर उस बस में चढ़ते थे तो वैली को देख कर मन में बहुत आनंद था। सी विज टू ट्रैवल बाय द बस, और उसके अंदर में एक इच्छा जागृत हो गई और वो भी चाहती थी कि वो भी बस में चढ़े और बस में चढ़ कर ट्रैवल करें। द बस डेली वेंट टू द नियरेस्ट टाउन, तो बस हर एक दिन प्रतिदिन जो सामने वाला शहर है उसमें जाती थी। वैली वॉच द बस रेगुलरली, और वैली लगातार उस बस को डेली प्रतिदिन देखती थी बैठ करके। इट डेवलप्ड इन हर अ स्ट्रॉन्ग डिज़ायर टू गो टू द टाउन बाय द बस, तो डेली डेली नए नए पैसेंजर्स को बस में चढ़ते हुए देखना उसको अच्छा लगता था। और देखते देखते उसके अंदर में एक बहुत ही तीव्र इच्छा और एक बहुत ही मजबूत इच्छा अंदर में जागृत हो गई कि मैं भी जाऊंगा एक दिन शहर इस बस में चढ़ करके, कि कितना मज़ा आएगा अगर मैं इस बस में चढ़ करके शहर की ओर जाऊं। वैली हैड टेकन मच पेन टू प्लान हर बस राइड, तो उसने अपनी एक योजना बनाई कि मुझे शहर जाने के लिए क्या क्या उपाय करना पड़ेगा, किस तरीके से मैं राइड कर सकता हूँ बस में, तो उसके लिए प्लान किया। सी प्लान दिस राइड वेरी केयरफुली, और बहुत ही केयरफुल तरीके से इसको सारा प्लानिंग किया। सी क्वाइटली लिसन टू द कन्वर्सेशन बिटवीन द पैसेंजर्स टू कलेक्ट मोर डिटेल्स, इसके लिए वह उन लोगों की बातों को सुनती थी, जो पैसेंजर्स थे उनके बातों को सुनती थी और उनसे जो डिटेल्स है, जानकारियां है, वो जानकारी कलेक्ट करती थी। अबाउट द जर्नी के बारे में कि कितना भाड़ा लगता था जाने में, कितना दूर था, किस समय बस छोड़ती थी, किस समय बस आती थी, तो इस तरह का जो जानकारी था वो कलेक्ट करती थी वैली। सी फाउंड दैट द टाउन वाज 6 माइल्स अवे फ्रॉम आर विलेज, तो वैली ने यह पता लगाया कि जो टाउन है, जो शहर है, वो उसके गांव से 6 मील की दूरी पर है। द जर्नी टू वन साइड टुक 45 मिनट्स, मतलब गांव से शहर जाने में एक बार जब जाइएगा तो आपको 45 मिनट्स लगेगा। तो ये चीज़ वैली ने अपने दिमाग में नोटिस कर लिया उन लोगों की बातों सुनकर कि मुझे 45 मिनट्स जाने में लगेगा। द फेयर वाज 30 पैसे वन साइड, एक बार का भाड़ा 30 पैसे है एक साइड का भाड़ा। थस सी हैड टू सेव 60 पैसे फॉर जर्नी टू द टाउन एंड रिटर्न बैक, तो वैली को 60 पैसे बचाने थे, 30 पैसे जाने के घर से टाउन की ओर और टाउन से घर आने का 30 पैसे, टोटल 60 पैसे उसको सेव करने थे अप एंड डाउन के लिए। सी सेव्ड अप द फेयर विद ग्रेट डिफिकल्टी, तो बहुत कष्ट से, बहुत तकलीफ से उसने वो 60 पैसे बचा लिए। सी रेजिस्टेड एवरी टेम्पटेशन टू बॉय पेपरमिंट्स टॉय बलून्स ईटीसी, तो उन 60 पैसे को बचाने की उसने पेपरमिंट्स खिलौने बलून इन सब का जो अट्रैक्शन होता है बच्चों के लिए, इन सभी का चीज़ का त्याग कर दिया। सी सप्रेस्ड द डिज़ायर टू द मैरी गो राउंड टू द विलेज फेयर, तो उसने अपने और बहुत सारे इच्छाओं का त्याग किया, जिसमें विलेज का जो गांव का मेला होता है उस गांव के मेले तक में नहीं गई, और उसने बहुत सारे पैसे बचाए। इन दिस वे सी सेव्ड अप द फेयर फॉर द जर्नी, और इस तरीके से उसने अपने टूर के लिए 60 पैसे बचाए आने जाने के लिए। और फ्रेंड्स, बस यहीं तक था ये क्वेश्चन और आंसर, जो कि 5th मार्क्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। धन्यवाद।